हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी क्लासेस में। तो ये हमारा जो वीडियो है, इसमें हम आज कवर करने वाले हैं प्राचीन इतिहास को। जितना भी पुराना हमारा प्राचीन इतिहास है, उस प्राचीन इतिहास के जो इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न देखेंगे। और ये 100 प्रश्न किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और एक बार नहीं, कई कई बार रिपीट हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सभी सवाल। आप खुद वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने इम्पोर्टेंट हैं ये सवाल। तो शुरू में हम पहले कवर करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल को। इसमें हम पूरे 50 प्रश्न कवर करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड पार्ट में जो हम देखेंगे वो 50 प्रश्नों को देखेंगे, और प्राचीन इतिहास के ही देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता से होंगे। तो इसमें हम केवल प्री हिस्टोरिक पीरियड के 50 प्रश्न कवर करेंगे, और 50 प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है ए, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और प्रोटो ऐतिहासिक काल। सही आंसर होगा इसका नवपाषाण काल में। तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा, ऑप्शन बी नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था तो किस काल में हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, मध्य पूर्व पाषाण काल, निचले पूर्व पाषाण काल, ऊपरी पूर्व पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह दबाकर दफनाते थे? ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम की ओर, बी उत्तर से दक्षिण की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर डी पश्चिम से पूर्व की ओर। सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर होगा हमसे ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण की ओर। अगले आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? ऑप्शन देखते हैं, नवपाषाण काल से, बी पूर्व पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, लोह काल से। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी लोह काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है तो किससे संबंधित है? मध्य पूर्व पाषाण काल से या निम्न पूर्व पाषाण काल से या सी उच्च पूर्व पाषाण काल से या डी मध्य पाषाण काल से। सही आंसर होगा हमारा, तो सही आंसर है हमारा सी उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो प्राचीनतम कलाकृतियों के जो प्रमाण हैं वो हमें उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? ऑप्शन विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से या विंध्य क्षेत्र की नव पाषाण संस्कृति से या डी गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से या फिर गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। तो सराय नाहर राय और महदहा ये दोनों स्थान हैं जो गंगा घाटी की जो मध्य पाषाण संस्कृति है यहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो फलक संस्कृति कहा गया है किसे? ए मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति से या निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति से, उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति से या हड़प्पा संस्कृति से। तो फलक संस्कृति किसे कहा गया है? तो ये है, तो इसका आंसर होगा मध्य पुरापाषाण
कालीन संस्कृति को, तो इससे लगा हुआ से नहीं होगा, ये हमारा के को होगा, थोड़ी सी मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिहावल एक पुरा स्थल है, कहाँ का है? ऑप्शन देखते हैं, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, या उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, या मध्य पाषाण संस्कृति का। आंसर होगा बी, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट, राह का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन होंगे संगनकल्लू से, बुदिहाल से, कोल्डिहवा से, या ब्रह्मगिरी से। आंसर होगा ऑप्शन ए, संगनकल्लू से। दसवां प्रश्न देखते हैं, राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? ऑप्शन दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र, या कश्मीर घाटी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत से। प्रश्न 11 है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो ऑप्शन मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, या सन्यासी गुफाओं के रूप में, मंदिर के रूप में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, क्योंकि जो मृतकों को जो दफनाया जाता, जब दफनाया जाता था वहां पर, तो दफनाने के जो चारों तरफ थे बड़े बड़े पाषाण, बड़े बड़े पत्थरों को लगा दिया जाता था, और इसी से वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की हुई है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, बी पूर्व पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, या डी लोह काल से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोह काल से। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन काल में आर्यों का मुख्य साधन क्या था, मतलब उनका मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन शिकार करना, कृषि करना, शिल्पकर्म, या फिर व्यापार। ऑप्शन बी सही आंसर होगा हमारा कृषि। तो प्राचीन काल में जो आर्य थे, वो उन आर्यों का जो मुख्य जो साधन था वो कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? सभी जानते होंगे इसका आंसर, तो नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, या लोह युग। तो सही आंसर होगा ताम्र पाषाण युग, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा हमारा, ताम्र पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, क्या काम करता था पुरापाषाण कालीन मानव? ऑप्शन मिट्टी के बर्तन बनाता था, कृषि करता था, पशुपालन करता था, या फिर शिकार खेलता था। सही आंसर होगा हमारा डी, शिकार खेलना, वो केवल शिकार ही खेलता था, शिकार करता था, शिकार करके अपने उनसे भोजन लेता था, उन्हें खाता पीता था, बस और कुछ काम धंधा नहीं था उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से, हड़प्पा संस्कृति से, या फिर बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, या ऑप्शन डी कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से। सही आंसर होगा, देखते हैं क्या होता है, ऑप्शन डी कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, ये गड्ढा है, गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है, कहाँ से मिलता है? कश्मीर से, बी बिहार से, सी कर्नाटक से, या डी राजस्थान से। तो कहाँ से मिलता है, आंसर देखते हैं, ए कश्मीर से, यानी बुर्ज होम, यानी जो गर्त आवास हैं, गर्त आवास का मतलब ही हमारा क्या है, गड्ढों में रहना था, और ये कहाँ से मिले हैं, कश्मीर के मिले हैं, बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण कालीन गर्त कहाँ से मिले हैं? ए बुर्जहोम, गुफकाल, कोचई, या महगड़ा। तो कूट से देखना है, क्या कूट देखते हैं, दो और तीन, मतलब गुफकाल और कोचई से, बी एक और चार, इनके बुर्जहोम और महगड़ा से, सी तीन और चार, कोचई और महगड़ा से, या फिर डी
बुर्जोम या गुफ्र काल से। तो सही आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर होगा, आपको बता दिया है पहले, इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं आप। अभी मैं बताया था आपको इसमें जो बुर्जोम है, बुर्जोम से तो मिले हैं, लेकिन एक ए और सी में कहीं पर भी को क्या एक नहीं है, तो ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे। बी और डी से देखते हैं क्या क्वेश्चन सही आता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है, एक और दो, यानी कि ऑप्शन डी, बुर्जोम और गुफ्र काल से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन उदयगिरी से, बाघ की गुफाओं से, सोनगिरी से, सोनगिरी की पहाड़ियों से, या फिर डी भीमबेटका से। सही जानते होंगे ऑप्शन डी होगा इसका, भीमबेटका, ऑप्शन डी भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन भीमबेटका से, घगरिया से, लेखैया से, या फिर आदमगढ़ से। सही आंसर होगा हमारा इसमें ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन ए भीमबेटका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सबसे पहले सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? कहां से मिलते हैं? तो क्वेश्चन देख सॉरी ऑप्शन देखते हैं, ए लोथल, बी रंगपुर, मेहरगढ़, या कोल्ड हवा से। तो आंसर होगा इसका सही ऑप्शन ए सॉरी बी, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन सी होगा इसमें मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जोम में मनुष्य के साथ किस पालतू पशु जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो बुर्जोम में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा थी? ऑप्शन कुत्ता, गाय, कबूतर, या घोड़ा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कुत्ता, क्योंकि कुत्ते के अवशेष मिले हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ था? मतलब कुत्तों के साथ मनुष्य को दफनाने का जो प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो आंसर देखते हैं, तो बुर्जोम से, ब्रह्मगिरी से, चिड़ान से, या फिर माशकी से। तो ऑप्शन ए बुर्जोम, इनके जो गर्तावास बुर्जोम है, यहाँ से मिले हैं हमें कि मानव कंकाल के साथ में कुत्ते के दफनाने के कंकाल भी यहाँ से मिले हैं हमें, बुर्जोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन किलेगुल मोहम्मद से, धोलावीरा से, कालीबंगा से, या फिर मेहरगढ़ से। आंसर होगा हमारे इसमें ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से ही स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। 25, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? ऑप्शन ए चिड़ान से, ब्रह्मगिरी से, मेहरगढ़ से, या फिर बुर्जोम से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से ही भारतीय जो महाद्वीप है उसमें जो कृषि के जो प्राचीन जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं, आमरीशे, कोटदीजीशे, मेहरगढ़ से, या कालीबंगन से। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से ही हमें पूरा पाषाण जो संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर बिहार से, कश्मीर से, महाकौशल से, या फिर विंध्य क्षेत्र से। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विंध्य क्षेत्र से। तो इसमें आप भी अपने क्वेश्चन आप देखिए और आप भी कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और एक नहीं, दो तीन बार इस वीडियो को देखिए, आपका ये 50 क्वेश्चन आपसे नहीं चूकने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं?
चावल के साक्ष्य मिले हैं, बेलन घाटी से, मध्य गंगा घाटी से, गोमल घाटी से या फिर बेलन घाटी से, बोलन घाटी। ऑप्शन देखते हैं, ए बेलन घाटी, तो ऑप्शन ए होगा हमारे इसमें, बेलन घाटी से। 29, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? जो गंगा की घाटी है वह प्राचीनतम जो धान के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोन, ऑप्शन ए सोनोवर से, बी लोहरादेव से, सी सोहगोरा से या डी कौशाम्बी से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोहरादेव से। क्वेश्चन नंबर 30, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है, कौन सा स्थान है? ए भिरवानपुर, बी लंगनास, सी आदमगढ़ या डी चौपनी मांडो। सही आंसर होगा ऑप्शन सी आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मेहरगढ़ से, बी धोलावीरा से या फिर सी मोहनजोदड़ो से या फिर डी राखीगढ़ी से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेहरगढ़ से। 32, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, बी नर्मदा घाटी में हथनोरा से या फिर सोहन घाटी में बाघोर से या बेलन घाटी में बांसघाट से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा घाटी में हथनोरा से। तो नर्मदा घाटी में जो हथनोरा से होमो इरेक्टस का एक कपाल प्राप्त हुआ है, कपाल प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थान से मिला है? ऑप्शन देखते हैं, ए हथनोरा से, बी भीम बेटका से, सराय नाहर राय या दमदमा से। क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए हथनोरा से। नेक्स्ट, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था, सभी जानते होंगे, ऑप्शन ए चावल, गेहूं, जौ या बाजरा, तो क्या है? जौ। एक प्रश्न भी आता है कि जौ को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे जौ को यव, तो यव जो है वो यव जौ को ही जौ को कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन देखते हैं, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से, गोदावरी घाटी महाराष्ट्र, सोन घाटी मध्य प्रदेश या बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। हड्डी की बनी मातृ देवी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई हमें उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? मतलब पहले पुरापाषाण के, फिर मध्य पाषाण के और उसके बाद फिर नवपाषाण के। ऑप्शन देखते हैं, ए कृष्णा घाटी से, बी कश्मीर घाटी, सी बेलन घाटी या फिर डी गोदावरी घाटी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेलन घाटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 37, एक ही कब्र से तीन कंकाल मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऑप्शन है, दमदमा से, सराय नाहर राय से या मेहदहा से या लंगनाथ से। तो ऑप्शन ए दमदमा से। तो दमदमा से ही हमें एक ही कब्र से तीन कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। जो हड्डी से निर्मित जो आभूषण है वो भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, लेकिन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन मेहदहा से, बीस राय नाहर राय से, लेखैया से या फिर चौपानी मांडो से। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेहदहा से। मेहदहा से ही हमें जो हड्डी से निर्मित जो आभूषण है वो हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, गोरिक मृदभांड पात्र इनको OCP का नामकरण हुआ था किस काल में, कहाँ से हुआ? अही छत्र में, हस्तिनापुर में, नोह में या फिर लाल किले में। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, ऑप्शन बी होगा इसका हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में गौरिक मृदभांड पात्र जो है इनके
नामकरण हुआ है। नेक्स्ट, ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ से क्या है? ऑप्शन देखते हैं, पंजाब का, जम्मू का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का। सही आंसर ऑप्शन ए पंजाब का। ददेरी जो है वो एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ पे है ये? पंजाब में है। नेक्स्ट, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो मानव कंकाल सबसे अधिक कहाँ से मिले हैं? घगरिया से, बी मोरहाना पहाड़ से, सी बघई खोर से या फिर डी लेखैया से। आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन डी लेखैया से। क्वेश्चन नंबर 42, नीचे सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इनको हमें कूट की सहायता से मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना, देखिए पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो ये आपको कच्चे और पक्के मकान है, बी दिया हुआ है, हमारे बी के सामने है नदी तट अधिवास, और नवपाषाण काल के सामने दिया गया शैलश्र अधिवास, और ताम्रपाषाण काल के सामने दिया गर्त अधिवास। तो इसको आपको सही क्रम में, सही इसका कोट को इसको मिलान करना है। तो आंसर देख लेते हैं पहले इसका, देखिए ऑप्शन है हमारा ए बी सी डी से, देखिए ऑप्शन ए बी सी और डी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका सही आंसर जो होगा वो देखते हैं। आंसर होगा इसका ए, क्योंकि 2 4 2 3 4 1, 2 3 4 1, एक बार मिलाते हैं। देखिए पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल 2 यानी कि नदी तट का जो अधिवास है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यहाँ से है। मध्य पाषाण काल इनकी बी, बी का होगा हमारा थर्ड यानी कि शैलाश्र अधिवास। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल ये आपको देखना है, ये आगे गर्त आवास, और डी न पाषाण हो सॉरी, और ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल होगा कच्चे एवं पक्के मकान, तो डी का होगा 1। ठीक है, तो 2 3 4 1 ये हमारे सही आंसर होंगे। आगे देखते हैं, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है इनाम गांव? आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है या फिर गुजरात में है? सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। तो इनाम गांव कहाँ है भारत में? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन की खोज का, जिससे देश में प्राग ऐतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? किसको जाता है श्रेय? ऑप्शन डी टेरा एम पैटरसन, ऑप्शन बी बर्किट, ऑप्शन सी आर्बिक फूड, ऑप्शन डी एच डी संकलिया। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर बी फूड। तो भारत में सबसे पहले प्रथम जो पुराप्रस्तर युगीन के जो खोज का जो श्रेय जाता है वो आरबी फुट को जाता है, जिससे देश में प्राग ऐतिहासिक का जो अध्ययन है उसको करने का हमें एक रास्ता प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए कनिंगम, बी एच डी संकलिया, बी ए आर अलचिन या फिर डी रॉबर्ट ब्रोशफुट। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनिंगम। तो कनिंगम को ही भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, काश्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए लुम्बाक ने, बी थॉमसन ने, सी टेलर ने या चाइल्ड ने। तो ऑप्शन देगा इसका ऑप्शन बी, सही आंसर होगा ऑप्शन बी थॉमसन ने। देखिए ऑप्शन बी थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं सबसे पहले? ऑप्शन देखते हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ या फिर नर्मदा घाटी से। ऑप्शन देखते हैं इसका सही क्या होगा, नर्मदा घाटी से। जो भारत में जो मानव का जो सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमें नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
48 है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? जो पहला जो प्रारंभिक था और जो पूर्ण मानव था, जिस तरह से आज हम हैं, तो उसको हम सबसे पहले क्या कहा जाता था? देखिए, क्रोमैग्नन, नेंडरथल, ग्रिमाल्डी या फिर मैग्डलिनियन। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, क्रोमैग्नन। तो क्रोमैग्नन कहा जाता था, जो पहला जो पूर्ण मानव था, पूर्ण मानव जो विकसित मानव था, उसे हम क्या कहते थे? क्रोमैग्नन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? देखते हैं ऑप्शन, ए बी एस वांकंड ने, के डी वाजपेयी ने, एच डी संकलिया ने या फिर मार्टिमर व्हीलर ने। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एच डी संकलिया ने। तो नवादा टोली का जो उत्खनन किया था वो एच डी संकलिया ने किया था। आखिरी और ये हमारा आगे जो क्वेश्चन है वो हमारा 15, यानी कि 50 क्वेश्चन है हमारा, पूरे 50 क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम केवल ये 50 प्रश्न ही देखने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वन लाइनर होगा, और उस वन लाइनर में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता था? ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वी की, वृक्षों की, फॉसिल्स की या फिर चट्टानों की। आंसर होगा हमारे का ऑप्शन सी, फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म, सॉरी, तो जीवाश्म, यानी कि ऑप्शन सी जीवाश्म की, यानी कि फॉसिल्स जो होते हैं उनको हम जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म की जो उम्र को निर्धारण करने के लिए ही कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा आखिरी प्रश्न। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, और इसको साथ में ही जो वीडियो है हमारी, अगर आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, व्यूअर होंगे, तो एक मोटिवेट मिलता है हमें आगे काम करने का, जिससे कि हम अपने आगे की नई और वीडियो को ला सकें एक नए उत्साह के साथ में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने जो नोट सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि जो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें। सभी वीडियोस में एकदम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हम। कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एनटी या फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, जिसमें ये सेक्शन हिस्ट्री का रहता है, उन सभी के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो हड़प्पा सिविलाइजेशन का आएगा, उसके बाद में हम इसी तरह से धीरे 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 पूरे हिस्ट्री को कवर करेंगे। करंट अफेयर का भी हमारे इसमें चल रही है, जो मंथली चलती है, करंट अफेयर हमारे इसमें पहले ही अपलोडेड है, जनवरी माह का, जनवरी महीने का करंट अफेयर, पूरा करंट अफेयर, पूरा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। और फरवरी का करंट अफेयर भी आपको इसी तरह से मिलेगा, जो आपको MCQ टाइप में होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।